उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। 19 नवंबर से जारी शताब्दी समारोह में बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, साथ ही शताब्दी स्मारक सिक्के का अनावरण करेंगे। मैसूर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी तीसरी ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाएगी जिसके 100 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी होगा। पीएम छात्रों को संबोधित भी करेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि यूनिवर्सिटी के सिक्के, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक को पीएम नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है बल्कि एक अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर और यूनिवर्सिटी के 100 साल की श्रेष्ठता का प्रतीक भी है। इस सिक्के को मुंबई में सरकारी टकसाल में बनाया गया है। यह यूनिवर्सिटी के खजाने में एक संपत्ति होगी। सिक्का बनाने में चांदी, कांस्य, तांबा और निकल का इस्तेमाल किया गया है। बीकानेर के जाने माने मुद्रावादी सुधीर लूनावत के अनुसार यह एक नॉन सर्कुलेटिंग सिक्का होगा और इसमें वर्ष 1920 से 2020 के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में लखनऊ विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह लिखा होगा और केंद्र में यूनिवर्सिटी का लाइट एंड लर्निंग लोगो होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई थी। ऐसे में यह साल यूनिवर्सिटी के 100वें साल के रूप में मनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से करीब 160 कॉलेज एफिलिएटेड हैं। आज होने वाले कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में भी चर्चा की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.